हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सतीश कुशवाहा और आप देख रहे हैं एक नंबर चैनल। आज मैं आपको लेनोवो के 3 नोट और लेनोवो के 4 नोट के बीच में कंपैरिजन दिखाऊंगा, उसमें क्या क्या अंतर है और क्या डिफरेंस है, आपको कौन सा प्रीफर करना चाहिए फ़ोन। वैसे लेनोवो के 3 नोट तो पुराना हो चुका है और लेनोवो के 4 नोट अभी लॉन्च हुआ है, तो आप लेनोवो के 4 नोट को ही प्रीफर करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए कितना अलग है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लोग आते हैं सेटिंग्स पे। जो अभी इंटरफेस देख लीजिए, इंटरफेस में क्या है कि जो इसमें लेनोवो लॉन्चर लगा हुआ है और इसमें गूगल नाउ लॉन्चर है, और इसका नोटिफिकेशन बिल्कुल सेम दिखता है। थोड़ा सा ऊपर जो वाईफाई है, डेटा कनेक्शन और ब्लूटूथ, ये थोड़ा सा चेंज है। चलिए सेटिंग्स में ओपन करता हूँ, देखते हैं क्या क्या इसमें सेटिंग्स में नया है। आपको लगभग सेम देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इसमें आपको चेंज नज़र आता है। 1 मिनट, एनएफसी आप देख सकते हैं, जो लेनोवो के 4 नोट है इसमें एनएफसी आपको देखने मिलता है, बाकी सब कुछ वही है। थोड़ा मैं ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ, आपको दिक्कत हो रही होगी, आप तो ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा सा कम करता हूँ। 1 मिनट, हाँ हो गया। अभी जैसे इसमें देखिए एनएफसी आपको मिलता है लेनोवो के 4 नोट में, लेनोवो के 3 नोट में एनएफसी नहीं है। और लेनोवो के 4 नेट में आपको फिंगरप्रिंट मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर जिससे आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, लेनोवो के 3 नेट में नहीं था, के 3 नोट में नहीं था। तो आप देख सकते हैं सारे ऑप्शंस लगभग सेम है, एंड सिम का जो भी है, सिम स्लॉट सब कुछ बराबर है। आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट देखने मिल सकता है, फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है, जो पीछे देखिए फिंगरप्रिंट, यहाँ पे लेनोवो के 3 नोट और के 4 नोट में देखिए कितना डिफरेंस है। तो फिंगरप्रिंट से आपको थोड़ा सा एक एडवांसमेंट मिलता है कि हाँ, थोड़ा सा एक नया फीचर ऐड हुआ है इसमें, तो जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं वो वर्थ करता है फिंगरप्रिंट और एनएफसी के लिए। तो मैं फिंगरप्रिंट दिखा रहा था, अभी मैं स्टोरेज दिखाता हूँ। स्टोरेज इसमें स्टोरेज किया, इसमें भी स्टोरेज किया। स्टोरेज में आप देख सकते हैं दोनों में 16 GB इंटरनल मेमोरी है, तो इंटरनल मेमोरी के मामले में कोई आपको चेंजिंग नहीं मिलती है, दोनों में इंटरनल मेमोरी सेम है। रैम आपको मिल जाता है, रैम ज़्यादा मिल जाता है। इस के 4 नोट में आपको रैम 3 GB मिलती है और इसमें 2 GB रैम मिलती है। यहाँ पे हम डिवाइस इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। लेनोवो के 3 नोट में आपको 5.0 का जो एंड्रॉयड OS है 5.0 मिलता है, उसमें 5.1 का मिलता है। और जो मॉडल नंबर है आपको देख सकते हो कि लेनोवो A7010 है जो के 4 नोट है, और इसका लेनोवो K50A40। हाँ, प्रोसेसर में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलता है, क्योंकि प्रोसेसर के मामले में के 3 नोट ज़्यादा आ गया है। इसमें आपको 1.7 GHz का 8 कोर लगा हुआ है और इसमें 1.3 GHz का 8 कोर लगा हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें कमी देखने मिलती है लेनोवो के 4 नोट में। लेकिन रैम जो है 3 GB वो संभाल लेता है, तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि लेनोवो के 4 नोट आगे है हर मामले में, लेकिन सिर्फ इस मामले में, प्रोसेसर के मामले में थोड़ा सा दब जाता है। पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा किया, मुझे भी समझ में नहीं आया। और फिर देख चेक करते हैं, कैमरा चेक कर लेते हैं। मैंने इसका कैमरा ओपन कर लिया, फिर इसका भी कैमरा ओपन कर लेता हूँ। कैमरा, ये फ्रंट कैमरा ओपन हो गया है, मैं पीछे का कैमरा ऑन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं वैसे कैमरे में थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिलेगी लेनोवो के 4 नोट में, क्योंकि लेनोवो के 4 नोट का जो है थोड़ा सा सेंसर अच्छा बना है, और ऊपर से जो उसका फ्लैश है बहुत ही दमदार है। फ्लैश में आपको मैं दिखाऊंगा कि उसमें पीछे येलो कलर का एक अलग से LED फ्लैश लगा हुआ है, जो थोड़ा सा लाइट जो होता है ना वो अच्छा कर देता है, तो इससे फोटो इनहेंस हो जाती है। इसमें देखिए आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है, इसमें जो कलर रिच, एकदम कलर रिच है लेनोवो के 4 नोट में, और के 3 नोट में आपको थोड़ा सा हल्का सा फीका लगता है। तो मैं ये कहूँगा कि लेनोवो के 4 नोट भी कैमरे के मामले में भी आगे निकल जाता है, वहीं पे लेनोवो के 3 नोट में आपको एवरेज मिलता है। लेनोवो के 3 नोट हल्का सा जो लेनोवो का A7000 था उससे ज़्यादा सा ज़्यादा आगे था, और उससे थोड़ा सा आगे लेनोवो के 4 नोट है। लेनोवो के 4 नोट का डिज़ाइन भी बिल्कुल अलग है, बहुत ही स्लिम नहीं कह सकता लेकिन उसी के बराबर है, लेकिन साइड में जो है ना मेटेलिक प्लेट लगा हुआ है उसके साइड में, और जो मतलब आपको देख सकते हैं कि थोड़ा सा कोई मतलब जो भी मोटाई है बराबर है थिकनेस इसकी। मैं फोकस करता हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं जो भी है इसमें, थोड़ा सा आपको जैक में इधर उधर दिखने मिल सकता है, जैक इसमें इधर लगा हुआ है और उसमें जो पोर्ट है जैक का वो उधर लगा हुआ है। हाँ, जो चार्जिंग पॉइंट है इसमें
ऊपर लगा हुआ है और के फोर नोट में नीचे लगा हुआ है। तो के फोर नोट चार्जिंग पॉइंट ऊपर नीचे से थोड़ा सा दिक्कत होता है कि कभी आप सो के अगर चार्ज कर रहे होते हैं तो नीचे रहता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि मुझे ऊपर वाले जो ऊपर वाले में पोर्ट है ना, ऊपर वाला, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और आप जो मैं डिज़ाइन की बात कर रहा था, इसमें के थ्री नोट में आपको पूरा टोटली प्लास्टिक का मिलता है, लेकिन के फोर नोट में साइड में आपको मेटेलिक मिलता है। और जो इसमें स्पीकर लगा हुआ है, के थ्री नोट में पीछे स्पीकर है और इसमें आगे स्पीकर, आप देख सकते हैं दो 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 आगे स्पीकर है, तो अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस रहेगा। कैमरे की कैमरे का भी दो आप देख सकते हैं प्लेस अलग अलग पोजीशन पे है। और लेनोवो का जो ब्रांड नेम है, इसमें लेनोवो का जो लोगो है थोड़ा सा डिफरेंट है के फोर नोट में। और देखिए फ्लैश में आपको बता रहा था कि इसमें एक येलो टाइप का थोड़ा सा दिख रहा है, आप देख सकते हैं येलो टाइप का एक है और एक ज़्यादा डार्क येलो है, और इसमें दोनों सेम जैसे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस इसीलिए मिलता है, फ़ोटो इन्हेंस हो जाती है इस फ्लैश की वजह से। और कैमरा आप देख सकते हैं इसका लेंस थोड़ा सा बड़ा है और ये फिंगरप्रिंट उसके नीचे है, तो डिज़ाइन में भी अच्छा है। और ये नॉइस कैंसिलेशन माइक है, और इधर आपको वॉइस जो भी माइक है वॉइस रिकॉर्डिंग वाली माइक नीचे, तो भी ओवरऑल यही था जो भी मैं कहूँगा कि के फोर नोट 2000 रुपये एक्स्ट्रा है तो वर्थ करता है। और वैसे भी थोड़ा सा पुराना हो चुका है के थ्री नोट, तो आप प्रिफर कर सकते हैं के फोर नोट को, और के फोर नोट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है बैटरी के मामले में। इसमें 3300 mAh का बैटरी लगा हुआ है, और जबकि इसमें 2900 का mAh की बैटरी लगी हुई थी लेनोवो के थ्री नोट में, तो उसमें भी 6-7 घंटे बैटरी चल जाती है। और मेरे ख्याल से लेनोवो के फोर नोट में भी 8-10 घंटे बैटरी चल जाती है। तो ओवरऑल आपने देख लिया कि ये रिव्यू कैसा था, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी